देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस मी अजित अनंतराव पवार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मेरे पूर्वज दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगे. सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इस बात को एक बार फिर पुख्ता किया है महाराष्ट्र की सियासत ने. कल जो शिवसेना हिंदुत्व जैसे मुद्दे को छोड़ सीएम पद के लिए बीजेपी से 30 साल पुरानी दोस्ती को तोड़ सत्ता के सिंहासन पर बैठने के सपने देख रही थी, अगले सुबह होते ही पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई. सुबह करीब 8 बजे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उसके साथ ही एनसीपी नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली. इससे पहले यह लगभग तय माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में जो रातों रात दाव पेच देखने को मिला वो कैसे हुआ जरा ये भी समझिए. शुक्रवार की शाम देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे. फडणवीस ने अपने पास 173 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया. इस दावे में देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के 54 विधायक और 14 निर्दलीय और अन्य विधायकों के समर्थन के होने का दावा किया. रात 11:45 एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास एनसीपी के 54 विधायकों की हस्ताक्षर सहित सूची लेकर पहुंचे. अजीत पवार ने अपना समर्थन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को देने का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया. एनसीपी का समर्थन पत्र मिलने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस बात से संतुष्ट हो गए कि देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है. रात 12 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र को राज्य में गठबंधन सरकार बनने के हालात बनने की जानकारी दी और राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश भेज दी. सुबह 5:45 राज्य में लगा राष्ट्रपति शासन हटाने की जानकारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दी गई. सुबह 6 बजे के आसपास राज्यपाल ने सुबह देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाने का फैसला किया. सुबह 6:45 देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से निवेदन किया कि वो मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए. बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण की अर्जी मिलने के बाद ही राज्यपाल ने सुबह 8:07 पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को शपथ ग्रहण करवाई. इस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ और मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रही शिवसेना का सपना भी चकनाचूर हो गया. मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ. महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं जहां पर 3 ऐसी पार्टियां साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए. मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे. बहुत दिन आपने देखा चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालने को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं. इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया है. अब सीएम फडणवीस के पास 30 नवंबर तक सदन में बहुमत साबित करने का मौका है और फिलहाल सरकार बनने की खुशी में देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं.
हिमांशु मिश्रा, भारत तक।